हेलो एवरीवन, कैलोरीमेट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ न्यू टर्म्स भी देखेंगे। आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और जो हम क्यू वर्सेस थीटा डायग्राम किए थे उसको भी देखेंगे कैसे बदल रहा है। उसमें हम थीटा वर्सेस क्यू डायग्राम करेंगे, ठीक है? तो चीज़ें बदलेगा और देखेंगे कैसे हो रहा है। तो शुरू करते हैं पहले कि टेम्परेचर वर्सेस हीट सप्लायर डायग्राम। ये डायग्राम को एक दूसरा नाम से कहते हैं फेजर डायग्राम। आगे चलते यही डायग्राम लगेगा। प्रीवियस क्लास हम लोग दूसरा एक डायग्राम किए थे, क्यू वर्सेस थीटा, थीटा वर्सेस क्यू। देख रहे हैं इसमें क्या करना होता है। यू वांट टू प्लॉट वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ हीट सप्लायर, ठीक है? आप उल्टा लेते हो डायग्राम में, याद रखो। प्रीवियस क्लास हम लोग इधर क्यू, इधर थीटा लिए थे, अब इधर ले रहे हैं क्यू और इधर ले रहे हैं थीटा, ठीक है? जब कोई हीट नहीं दिए, बॉडी अपना ओन टेम्परेचर में है, तो आप कहोगे बॉडी इज एट इनिशियल टेम्परेचर समवेयर लेट लाइक दिस। बॉडी अपना इनिशियल टेम्परेचर में है, ये हो गया। फिर जैसे हम हीट सप्लाई करते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, और ये हम समझ चुके हैं, ठीक है? डायग्राम ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और इनिशियल टेम्परेचर को हम थीटा जीरो कहेंगे। दैट मींस जब तक आप इस बॉडी को इतना हीट सप्लाई कर दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ के इतना हो गया होगा। जब आप क्यू वन हीट सप्लाई करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ के थीटा वन हो जाएगा, एंड सो गो ऑन सप्लाइंग हीट, दी टेम्परेचर कैजुअली राइजेस। ये डायग्राम को आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं फेजर डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं। हाँ, अब खाली एक चीज इसमें देखना है कि जो हम प्रीवियस क्लास किए थे और इसमें क्या अंतर है बताओ। अंतर ये है कि इसमें यहां पर लिया गया था क्यू को, यहां पर लिया गया था थीटा को। वो खाली न्यूमेरिकल के लिए, वो डायग्राम का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अब ये डायग्राम को थोड़ा देखो, इसको कहते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में हम क्या कहेंगे, एज लॉन्ग एज देयर इज नो फेज चेंज मतलब अगर सॉलिड है तो सॉलिड है, लिक्विड है तो लिक्विड है, गैस है तो गैस है। सॉलिड से लिक्विड नहीं हो गया है, लिक्विड से गैस नहीं हो गया, मतलब जिस स्टेट में था स्टेट ऑफ मैटर वही रहा, ठीक है? एज लॉन्ग एज देयर इज नो चेंज इन फेज चेंज द थीटा वर्सेस क्यू डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन विथ नॉन जीरो स्लोप। पहला चीज, स्लोप इसका जीरो नहीं है, कुछ है। कितना है स्लोप, अगर हम निकालना चाहें कितना है स्लोप, स्लोप ऑफ द डायग्राम, स्लोप ऑफ डायग्राम, ये स्लोप ऑफ द डायग्राम क्या होता है, थोड़ा सोचो तो। यस यस यस, ये एंगल, सपोज मैं कहता हूं कि ये एंगल है, तो ये एंगल मान लो अल्फा है, तो हम कहेंगे इट इज टैन अल्फा। क्या है, दिस इज दिस बाय दिस, ये क्या हो गया, चेंजिंग टेम्परेचर है कि नहीं, इट इज चेंजिंग टेम्परेचर बाय ये क्या, हीट सप्लाई, डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर, क्यू इज हीट सप्लाइड। समझ में आया क्या? तो आप जानते हो कि क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, नहीं एम सी डेल्टा थीटा। अगर हम इसकी वैल्यू को इसमें डालते हैं तो ये क्या आएगा, थोड़ा सोचो और बताओ। अगर मैं कहता हूं कि ये जो स्टार अल्फा है उसमें क्यू की जगह हम वैल्यू डाल देते हैं, क्या आएगा वैल्यू बताओ, इट विल बी कमिंग आउट टू बी डेल्टा थीटा बाय, डेल्टा थीटा बाय एम एस डेल्टा थीटा,
तो डेल्टा थीटा कैंसिल हो गया, एम एस तो नहीं, हम क्या बोलते थे सी, नहीं एम सी, एम सी डेल्टा थीटा, सो क्या मिल गया 1 बाय एम सी, द स्लोप रिप्रेजेंट्स 1 बाय एम सी। क्या मेरी बात समझ में आया, ये याद रखना है। आगे चल के आपको आगे चल के कैलोरीमेट्री में ऐसे ढेर सारे डायग्राम आएंगे और सारे डायग्राम में वाई एक्सिस में रहेगा थीटा टेम्परेचर, एक्स एक्सिस में क्या रहेगा हीट सप्लाई। कोई नई चीज नहीं, आपको उसका उल्टा वाला बता चुके थे, ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो वॉच द प्रीवियस वीडियो, ठीक है, कैलोरीमेट्री 2। तो पहला चीज हम लोग देख लिए टेम्परेचर वर्सेस हीट सप्लाई डायग्राम। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग देखेंगे व्हाट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस क्या होता है। पॉइंट नंबर 2, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। नाम से डरो मत, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सा चीज है। हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कोई एक चीज आपके सामने है, उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हीट देने की जरूरत पड़ेगा। कितना हीट देने को जरूरत पड़ेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। समझ में आ रहा है क्या? अगर स्टेटमेंट समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हो क्या, मेरे पास यहाँ पर मान लो कि आयरन का एक ब्लॉक रखा है, ये बड़ा ब्लॉक है और ये छोटा ब्लॉक है, किसका हीट कैपेसिटी ज्यादा है, यू मस्ट फील इट। किसका हीट कैपेसिटी ज्यादा है, बड़े वाले का। क्या है हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देना है कि इसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तो बड़े वाला हीट कैपेसिटी ज्यादा है। नहीं समझ में आएगा, नहीं है? अच्छा, अगर ये समझ में आ गया, अब सोचो कि आपके पास से 1 kg वाटर है और 1 kg ऑयल है, दोनों का अब मास बराबर है, दोनों का मास बराबर है। अब इसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए ज्यादा हीट चाहिए कि इसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, वाटर का बढ़ाने। यस, क्यों? क्योंकि वाटर का हीट कैपेसिटी ज्यादा है, आई मीन स्पेसिफिक हीट ज्यादा है कि नहीं। तो हम क्या देखें, जिसका मास ज्यादा होता है उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है, जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है उसका भी हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है। तो ये दोनों को जोड़ के हमें समझ में आ गया कि जो हीट कैपेसिटी है दैट मस्ट बी डिपेंडिंग ऑन द मास एंड स्पेसिफिक हीट, है कि नहीं। अच्छा, अगर ये बात है तो लेट अस कंसीडर ए सब्सटेंस ऑफ मास m एंड स्पेसिफिक हीट c, कोई सब्सटेंस है ना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो आई विल राइट अदरवाइज, I will write heat capacity is equal to amount of heat to raise temperature by 1 degree centigrade। क्या कहेंगे formula? Mc delta theta, जबकि delta theta क्या है? 1। So heat capacity का formula क्या हो गया? M into C। The product of mass and specific heat gives you the heat capacity। समझ में आया क्या?
हीट कैपेसिटी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट। तो ये समझ में आने के बाद हम लिखेंगे हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज गिवन बाय, कोई भी एक सब्सटेंस दे दिया उसके हीट कैपेसिटी कितना है, जस्ट मल्टीप्लाई द मास विद द स्पेसिफिक हीट, है ना। क्या आप बता सकते हो यूनिट क्या बनेगा इसका, यूनिट क्या बनेगा, इट इज अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेंपरेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज कैलोरी। ये क्या था, केजी, ये था ग्राम, ये था कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में। वैसे एमसी क्या है, फॉर्मूला अगर जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा थीटा ना, ऐसे सोचो तो एमसी का वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा थीटा, हुआ कि नहीं हुआ, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा थीटा मतलब कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको समझ में आना जरूरी है। सो हीट कैपेसिटी क्या है, हमें समझ में आया, यू अंडरस्टूड व्हाट इज हीट कैपेसिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बड़े काम की चीज है। हो गया, लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट, वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या समझ में आ गया, सिंपल सा चीज है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और इट इज मैथमेटिकली गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट, दैट्स ऑल। नाउ लेट अस सी व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट, पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे वाटर इक्विवेलेंट। बड़ा काम का चीज है, सिंपल फॉर्मूला है लेकिन बड़ी काम की चीज है। अब देखो ये बड़ा मजा आएगा इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। वाटर इक्विवेलेंट क्या है, ये वाटर इक्विवेलेंट, कोई एक सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट निकाला जाता है, कोई एक सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट निकाला जाता है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ वाटर और इज इक्वल टू, इज न्यूमेरिकल इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे इज न्यूमेरिकली इक्वल टू the mass of water whose heat capacity is same as that of the substance. Same as that of the substance. थोड़ा ध्यान से देखना, हम किसी एक substance का water equivalent निकालना चाहते हैं। हमारे पास कोई एक block रखा हुआ था जिसका mass था m1, specific heat था c1, heat capacity कितना था m1 c1, नहीं? इसका water equivalent चाहिए, तो what you have to do, you have to find out certain mass of water. कितनी mass of water लेंगे? सपोज हम कहेंगे दिस इज द मास ऑफ वाटर, इसको इसका वाटर इक्विवेलेंट कहेंगे, मतलब ये सब्सटेंस का बदले हम इतना पानी ले सकते हैं, क्या करने के लिए, फॉर कैलोरीमेट्रिक कैलकुलेशन, सब्सटेंस के चलते दिस मच वाटर इज इक्विवेलेंट टू दिस मच मास ऑफ द सब्सटेंस, फॉर व्हाट, फॉर कैलोरीमेट्रिक कैलकुलेशन, अगर आपको पानी पीना ये खा लेने से नहीं चलेगा, समझ में आ रहा ना, हाँ, तो आप कहोगे ये मास ऑफ वाटर इसकी सब्सटेंस के साथ इक्विवेलेंट कब कहेंगे, अगर इसका हीट कैपेसिटी बराबर है, इतना मास mw लिखे हैं हम हीट कैपेसिटी को जानने, वाटर इक्विवेलेंट को जानने के लिए मैं mw लिखा हूं, तो ये जो mw है, mw का हीट कैपेसिटी कितना है, दैट इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, है ना, लिखने में थोड़ा ये गंदा दिख रहा है तो इसे छोड़ते हैं, यू अंडरस्टैंड, m इज द मास ऑफ वाटर, m इज द मास ऑफ वाटर, इसका स्पेसिफिक हीट क्या है, c है, और आप जानते हो सी का वैल्यू क्या है, वन फॉर वाटर,
ये हो गया सब्सटेंस और ये क्या हो गया वाटर। इन दोनों का हीट कैपेसिटी बराबर है, मतलब MC is equal to M1 C1। उसमें M क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर, ये सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? That equivalent mass of water is called the water equivalent of this. समझ में आ रहा ना? तो हम कहेंगे this is the water equivalent. ये जो M है, what is the water equivalent of this? ठीक है? हाँ, बोलिए। सर तो मास अगर जितना होगा उसका भी मास उतना ही होगा। क्यों मास बराबर होगा भाई? इसका M1 C1 जितना है, इसका MC उतना है, C इसका 1 है, तो M कितना हो गया? M1 C1 चीज नथिंग। एम क्या हो गया? एक वाटर इक्विवेलेंट M1 C1। समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या लिखेंगे? इफ ए सब्सटेंस ऑफ मास M1 एंड स्पेसिफिक हीट C1 has heat capacity same as heat capacity of water of mass m, then M is the water equivalent of the substance. M is the water equivalent of the substance. क्या मेरी बात आपको समझ में आया? M is called the water equivalent of substance. ध्यान से देखो, इफ ए सब्सटेंस ऑफ मास M1 एंड स्पेसिफिक हीट C1 हैज हीट कैपेसिटी सेम एज हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ऑफ मास M, देन M को क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी ऑफ, सॉरी, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। नहीं, अगर हमें M का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देन हाउ विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ M? वैल्यू ऑफ M निकालने के लिए थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। इधर हो बस, तो आप क्या कहोगे, क्या पता चल गया इसमें से? सॉरी, तो क्या पता चल गया इसमें से? 10 M1 C1 इज इक्वल टू M into C, C फॉर वाटर होता है 1, इसका मतलब M इज इक्वल टू M1 C1। ध्यान रहे, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द हीट कैपेसिटी इन CGS यूनिट सिस्टम इन कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि C का वैल्यू 1 किस में होता है? ग्राम में होता है ना, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया क्या? तो यूनिट क्या होगा? इट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर। यूनिट क्या होगा? ग्राम। यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? ग्राम। आपको होगी 10 यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इज ग्राम। बस नोट करने लायक चीज ये है, फॉर ए सब्सटेंस ऑफ मास M एंड स्पेसिफिक हीट C1, हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी होता है कितना? अभी देखे थे M1 C1, और यूनिट क्या होता था? कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट इज ऑल्सो M1 C1। यूनिट क्या है?
बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों का फॉर्मूला बराबर है, यूनिट अलग अलग है। तो हम बताए हीट कैपेसिटी समझ में आया M1 C1। और अभी अभी हम लोग बात किए वाटर इक्विवेलेंट का, वाटर इक्विवेलेंट कितना निकला? तो वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला दोनों बराबर है, बट देयर यूनिट्स आर डिफरेंट। समझ में आ गया ना? हीट कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट दोनों समझ में आ गया। अगर कोई सब्सटेंस का मास m है, स्पेसिफिक हीट C1 है, तो आपको हो गए हीट कैपेसिटी M1 C1, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर इक्विवेलेंट इसको भगा के उसके जगह पानी ले लेंगे, कितना पानी लेंगे, वही M1 C1, वो बराबर काम करेगा। समझ में आ रहा है? मैं आपको एक समझाने की छोटी सी क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा। तो ये आप लोग लिख चुके हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर इक्विवेलेंट, हीट कैपेसिटी, दोनों का फॉर्मूला बराबर है, वैल्यू भी बराबर है, खाली यूनिट्स अलग अलग है। अगर किसी एक सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट है 20 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी हीट कैपेसिटी है 20 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, उसका वाटर इक्विवेलेंट क्या है? 20 ग्राम, ध्यान रहे ग्राम में। ठीक है, सो हम ये भी लिख सकते हैं 10 वाटर इक्विवेलेंट इज सेम एज हीट कैपेसिटी व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ग्राम में एक्सप्रेस करना जरूरी है। समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? ए मेटल ऑफ मास, ए मेटल ऑफ मास 2 kg has specific heat 0.3 calorie, not 0.3, it is, I will say, it is 0, it is 300 कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फाइंड हीट कैपेसिटी एंड वाटर इक्विवेलेंट हीट कैपेसिटी एंड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। क्या मेरी क्वेश्चन समझ में आया? तो टू अवॉइड कंफ्यूजन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, टू अवॉइड कंफ्यूजन हरदम आप इसको सीजीएस यूनिट में लेने की कोशिश करो। MKS में लेने से भी होगा, लेकिन CGS में लेने से गलती होने का चांसेस कम रहेंगे। एक नियम मान के चलना, CGS में एक्सप्रेस करेंगे, सॉल्यूशन बनाते हैं। MKS में भी हो सकता है, KG में रख के भी हो सकता है। चलो पहले हम मास को एक्सप्रेस करते हैं। मास कितना है? 2 kg, मतलब ग्राम बराबर 2000, इट इज 2000 ग्राम। सी क्या है? सी दिया है 300 कैलोरी और केजी डिग्री सेंटीग्रेड 0.3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 300 इनटू कैलोरी, केजी की जगह लिख सकते हैं 1000 ग्राम,
डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं ना। तो ये कितना बन गया देखो, तो 0.3 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मेरी बात समझ में आया? तो हीट कैपेसिटी कितना है? हीट कैपेसिटी 600 m into c, m हो गया 2000 into 0.3, तो it is coming out to be 600 calorie per degree centigrade। आप लोगों के साथ सीधा सीधा एमसी करते तो नहीं होता क्या? हाँ होता, हो जाता, गड़बड़ नहीं होगा, आंसर आएगा, लेकिन एक गड़बड़ रह जाएगा आपका। क्या बताओ? आपको आगे चल के कुछ न्यूमेरिकल में फंसेंगे, तो टू अवॉइड दैट मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करके कर रहा हूँ। अगर कोई पूछेगा वाटर इक्विवेलेंट कितना है, 600 ग्राम, वहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लेंगे। सब कुछ केजी में नहीं, तो 600 केजी लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वाटर इक्विवेलेंट इन ग्राम, इससे इमेज हीट कैपेसिटी इन कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। सो वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एमसी इज इक्वल टू 600 ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आया? आया। चलिए कैसे करते हैं दूसरे क्वेश्चन, ये दोनों टर्म को यूज करने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए आपको पूछा गया ये क्वेश्चन में द फेजर डायग्राम ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, दो अलग अलग सब्सटेंस का फेजर डायग्राम दिया गया है, किसका हीट कैपेसिटी ज्यादा है। क्या आप जानते हो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर थीटा वर्सेस क्यू में? पहला क्लास की शुरुआत में पढ़ाया स्लोप क्या था, 1/MC, इट वाज 1/MC, मतलब 1/ हीट कैपेसिटी है कि नहीं, 1/ हीट कैपेसिटी वाज द स्लोप ऑफ दिस डायग्राम। अब देखो किसका स्लोप ज्यादा है, ए का कि बी का? ए का स्लोप ज्यादा है, है ना? तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ ए इज मोर देन स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ ए इज मोर देन स्लोप ऑफ बी, मतलब 1/ हीट कैपेसिटी ऑफ ए इज मोर देन 1/ हीट कैपेसिटी ऑफ बी। तो इसका मतलब किसका हीट कैपेसिटी ज्यादा है, ए का कि बी का? ये बड़ा होगा इसलिए तो क्वांटिटी, ये छोटा होगा इसलिए तो क्वांटिटी बड़ा हो गया। इसका मतलब हुआ हीट कैपेसिटी ऑफ ए इज लेस देन हीट कैपेसिटी ऑफ। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? इसको रेसिप्रोकल कर देने से ये साइन उल्टा हो जाता है, सबको मालूम है। If 1/4 is less than 1/3, then 4 is more than 3, है कि नहीं? Exactly. तो B का हीट कैपेसिटी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन दिमाग फाड़ने वाला क्वेश्चन है। चलिए सोचिए और बताइए ये क्वेश्चन में क्या है दिया है कि एक मेटल ब्लॉक है। हाँ भाई है, ये जो मेटल ब्लॉक है इसका मास कितना है, 50 ग्राम है, 50 ग्राम क्या टेम्परेचर में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। इट वॉज ड्रॉप इन टू 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। If specific heat of metal is 0.5 calorie per gram degree centigrade, find the final temperature. सोचो, हुआ क्या कि कुछ पानी था, गर्म पानी, पानी कितने थे, कितना पानी था ये 200 ग्राम, अच्छा, और टेम्परेचर था 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम ये मेटल ब्लॉक को 50 डिग्री सेंटीग्रेड मेटल को डाल दिए उसके अंदर, तो टूक करके ये गिरा अंदर। अब बताना है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा सिस्टम का। अच्छा अगर ये पानी था और मेटल की जगह कुछ गर्म पानी मिलाते तो निकालना हमें आता है ना, पानी के साथ पानी मिलाते तो हमें निकालना आता ही नहीं आता है। इफ m1 ग्राम ऑफ वाटर एट टेम्परेचर थीटा 1 इज एडेड टू m2 ग्राम ऑफ वाटर एट टेम्परेचर थीटा 2, तो कॉमन टेम्परेचर क्या होता था, m1 थीटा 1 + m2 थीटा 2 / m1 + m2। अब आपको मालूम है कि ये जो मेटल ब्लॉक है उसको पानी बना दो, सॉल्यूशन ऐसे बनाओ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ
ऑफ मेटल कितना होगा भाई, कितना होगा एम इंटू सी, 50 इंटू सी कितना है 0.5, क्रिसियम इज 25 ग्राम, वाटर इक्विवेलेंट बन गया। सो मेटल को डालना 25 ग्राम, पानी को डालना बराबर है, समझ में आ रहा है, पानी ही पानी, अब जोड़ने में क्या दिक्कत है। मेटल जो टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, आप कहो कि 25 ग्राम पानी था 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, समझ में आ रहा क्या। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज दिस, सो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, कह सकते हैं मेटल ब्लॉक एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेम एज 25 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बात समझ में आ रहा है, हम लोग क्यों वाटर इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया क्या। yes, ये सीधे यूटिलिटी पार्ट कितना मस्त है, ये हो गया। तो फिर कॉमन टेम्परेचर क्या होगा भाई, कॉमन टेम्परेचर आप कहोगे, कॉमन टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर हमारे पास फॉर्मूला है m1 theta 1 plus m2 theta 2 by m1 plus m2, 25 ग्राम पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा वाला क्या था 200 ग्राम पानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, बाय 200 प्लस 25, क्या आप सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। यस यू कैन गेट द कॉमन टेम्परेचर, नाउ फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500 प्लस 1000 12500 बाय ये कितना हो रहा है 10000, अच्छा 10000 प्लस 2500 12500 बाय 225, तो नीचे हो गया 9, ऊपर हो गया 25 में करो तो 500 500 बाय 9। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 55.55 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया क्या, इट इज कमिंग आउट टू बी 55.55 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कोई भी चीज को आपको 9 में डिवाइड करना आता है, वैसे तो जानते हैं हम, और कोई जानता है डिवीजन, बट देन लेट मी हेल्प यू नोइंग इट, कि बताओ 2/9 कितना होता है, 0.2222 एंड सो ऑन, 3/9 0.33, हां और कहेंगे 13/9, तो ये हो गया 1, बच गया क्या 3, अरे बचिया 4, इट इज 4/9, इट इज 1/4/9, सो इट इज 1.4444 एंड सो, समझ में आ रहा ना, तो ये डिवीजन आपको आना चाहिए। सो दिस वे वी अंडरस्टैंड हाउ वी कैलकुलेटेड द फाइनल कॉमन टेंपरेचर। क्या ये बात सबको समझ में आया, समझ में आया ये वाला पहले, यस ठीक है। मेटल बीकर ये क्वेश्चन देखो बढ़िया, ऑफ 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट 0.2 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इट, सो इट रेज इट्स टेंपरेचर टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये खाली पानी होता तो क्या क्वेश्चन आसान नहीं बन जाता, अगर ये खाली पानी होता मेटल बीकर नहीं होता तो क्यू इज इक्वल टू एम एक्स डेल्टा एम सी डेल्टा थीटा, तो सारे को पानी बना दो है ना। तो पहले हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, लिखेंगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बीकर, यस वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बीकर सर 20 ग्राम 20 ऑफ बीकर, फॉर्मूला क्या है m इनटू c, m इनटू c कितना होगा, मास मालूम है, मास मालूम है और स्पेसिफिक हीट भी तो मालूम है, मास और स्पेसिफिक हीट दोनों मालूम है, तो कितना बन जाएगा ये 20 ग्राम, इट इज मास कितना है 0.2, ये 100 हो गया 20 ग्राम। अब इसमें 100 ग्राम पानी है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छा कोई बीकर में पानी है 60 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो बीकर का टेम्परेचर कितना होगा 60 होगा,
है ना, तो हम कहेंगे बीकर प्लस वाटर, है ना, बीकर प्लस कितना ग्राम का पानी था उसमें, बीकर प्लस 100 ग्राम वाटर, सेम एज कितना 120 ग्राम वाटर, है कि नहीं, भूल जाओ बीकर खाली पानी है, 120 ग्राम वाटर कितने में 60 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका टेम्परेचर 70 करना है, सो हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, और पानी के लिए 1 है सो इट इज 120 ग्राम, ये 1 है डेल्टा थीटा हो गया, 60 टू 70 करना है, 60 से 70 जाना है, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है ना, कितना सिंपल, क्या इसको कोई कर लिया था, नहीं कर लिया था, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना सिंपल है अगला क्वेश्चन, देरी लिखो इसको, इसको करो, a solid iron ball of radius r has heat capacity x, कोई दूसरा solid iron ball जिसका radius 2r है, अरे उसका heat capacity क्या होगा, है ना, चलो सोचते हैं, सोचते हैं solution ऐसे जाएगा, क्या क्या है density का मतलब समझते हो, yes sir, mass per unit volume, mass per volume, अच्छा बड़ा बॉल का डेंसिटी ज्यादा है कि छोटा बॉल का डेंसिटी ज्यादा है, दोनों आयरन के सेम है, दोनों का, अबे नहीं दोनों का डेंसिटी बराबर होगा, आयरन है तो आयरन, आयरन का डेंसिटी फिक्स है, आयरन का डेंसिटी फिक्स है, तो आप कहोगे दोनों का डेंसिटी बराबर है, तो फिर दोनों का मास का फॉर्मूला क्या है, यू नो फ्रॉम दिस यू अंडरस्टैंड कि मास इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दोनों का डेंसिटी बराबर है नहीं, तो फॉर बॉल ऑफ रेडियस आर मास क्या है भाई, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3πr³, क्या वॉल्यूम का ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम है, स्पीयर का वॉल्यूम ऐसा होता है, जो पूछेगा क्यों होता है बहुत दौड़ा के मारेंगे, इतना आपको मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज 4/3πr³, अच्छा फॉर बॉल ऑफ रेडियस 2r मास कितना होगा, इसको m1 को इसको m2 को, डेंसिटी तो वही है, डेंसिटी वही है, इट इज 4/3π 2r का क्यूब, है कि नहीं, क्या ये 2 का क्यूब कितना होता है आपको मालूम है, 2 का क्यूब 222 सर, पागल है क्या, मैं जो बोलूंगा वही हाजी हाजी करेगा, 2 का क्यूब होता है, इतना फ्लो में रहता है, टीचर में बोले वही बोलेंगे, 2 का क्यूब 222 2 का क्यूब हो गया 8, तो क्या ये चीज आपको दिख रहा है 8 m1 जैसे, एक 8 बाहर आ जाएगा, बाकी का चीज तो m1 है ना, अरे ये चीज कितना है m1, तो ये हो गया 8 टाइम्स ऑल दिस, ये भी हो गया 8 टाइम्स m1, आयरन तो आयरन है, स्पेसिफिक हीट फिक्स्ड है, m1 c का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है हीट कैपेसिटी, मतलब m1 into c कितना है x, m2 into c कितना होगा, निकाला है करेंगे 8x, बस ये समझ में आना चाहिए, given that, so the answer 8x, ये सिंपल है, सिंपल तो है भाई, इसमें कोई बड़ी चीज थोड़ी है, हाँ क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, फिर भी आप लोग डर रहे हो, डरना मना है, डर के आगे जीत है, पीछे पीछे कौन है, डर के पीछे भूत है, हाँ तो हम कहेंगे गिवन हीट कैपेसिटी ऑफ m1 इज इक्वल टू m1c इज इक्वल टू x, सो हीट कैपेसिटी ऑफ m2, हीट कैपेसिटी ऑफ m2 कितना हो जाएगा, हीट कैपेसिटी ऑफ m2 हो जाएगा इज इक्वल टू m2c, it is 8 times m1c, that is equal to 8x, क्या समझ में आया, छोटा बॉल का रेडियस r था, हीट कैपेसिटी x था, बड़ा बॉल का रेडियस 2r है और हीट कैपेसिटी होगा
हीट एक्स। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग या स्टैंडिंग अंडर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। ए मेटल बीकर ऑफ मास 100 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन तो आप लोग पक्का करोगे, करके बताओ मुझे कि आपको समझ में आ गया। डू इट। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है भाई। मेटल बीकर ऑफ मास 100 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, इज एट रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कहेंगे मेटल ब्लॉक और मेटल बीकर, बीकर ऐसे लिखते हैं, बीकर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज सेम एज। हाउ मच वाटर? 100 × 2.5 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, फिर क्या है? 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम ऑफ वाटर 60 सेंटीग्रेड, 50 ग्राम ऑयल, ऑयल 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज सेम एज 50 × 0.8 ग्राम वाटर एट कितना टेम्परेचर में? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर कॉमन टेम्परेचर क्या फॉर्मूला होता है? कॉमन टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर फॉर्मूला बन जाएगा m1 θ1 + m2 θ2 + m3 θ3 / m1 + m2 + m3। कितना सिंपल है, इतना सिंपल है कि कोई भी कर सकता है। तो पहला वाला हो गया, ये हो गया 100 × 5 हो गया 50, टेम्परेचर था 20 प्लस। दूसरा वाला क्या था? वो तो खुद ही पानी था, पानी का इक्विवेलेंट पानी क्या निकल रहा है, वही निकलेगा 50 ग्राम वाटर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, सो इट इज 50 × 60 प्लस। प्लस क्या था? इट वाज 40 ग्राम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सो इट इज 40 × 40 प्लस 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 40 × 40। हाँ, ये निकल गया चीज हमारा, ठीक है। थोड़ा इसको स्क्वीज करते हैं ताकि हम जगह बनाएं। तुम आ जाओ भैया इधर, तुम भी आ जाओ इधर, होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस। इसका मास हो गया 50 + 50 + 40 बाकी सिंप्लीफाई करो जो मिलेगा उतना डिग्री सेंटीग्रेड। ये कैलकुलेशन आपको आता है, ये हो गया 1000, दिस इज 3000, दिस इज 1600, सो 4000, 5000, 600, 5600 बाय 140 डिग्री। यस, देखो कितना हो गया, ये इट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या देखे, सबको ही घूम के ऑयल की टेम्परेचर पे वापस आ जाएंगे। क्या ये चीज सबको समझ में आ गया? थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट, लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है। क्या मैं इसको समझा पाया सबको? तीन इक्विवेलेंट तो क्या फर्क पड़ता है, तीनों को समझा दो, तीनों को वाटर बना दो, सारे को मिला दो, यू गेट द इक्विवेलेंट वाटर। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।